नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर रहे। इस दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। इसके बाद उन्होंने आर्ट गैलरी का भी निरीक्षण किया। वहीं पीएम मोदी इस दौरान जनसभा को संबोधित भी करते नजर आए। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी दौरे पर रहे। पहले सिद्धार्थनगर, उसके बाद संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वाराणसी वासियों से सीधा संवाद किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से आज कई मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। तो यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इसके बाद काशीवासियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, साथ ही साथ सीएम योगी के काम की सराहना की है, जमकर तारीफ की है, विपक्ष पर तीखे वार करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आगरा के थाना जगदीशपुरा के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए सफाई कर्मी अरुण की मौत के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सफाई कर्मी के परिवार से मुलाकात की, साथ ही मृतक के परिजनों को सांत्वना दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि मृतक अरुण के परिजनों को भी 40 से 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राकेश टिकैत आगरा पहुंचे, मृतक अरुण कुमार के परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ में पीएम और सीएम ने मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया, साथ ही इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान मेडिकल स्टाफ से अपील करते हुए कहा है कि मेडिकल स्टाफ सेवा भाव से जनता की सेवा करे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनाना जनता के एक बेहतर इलाज का विकल्प है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली यहां उद्घाटन किया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आह्वान किया, साथ ही साथ कहा कि जिस तरह से मेडिकल लाभ मिल रहा है प्रतापगढ़ में, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना है ताकि इलाज में कमी ना रहे, बेहतर इलाज जनता तक पहुंच सके और किसी भी कारणवश अगर कोई भी मेडिकल स्टाफ से जुड़ा व्यक्ति यहां नहीं पहुंचता है या कुछ भी होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तुरंत उसकी कंप्लेन की जा सकती है। लेकिन हमें सबको मिलकर मेडिकल सुविधाओं को और ज़्यादा बेहतर करना है ताकि हर एक व्यक्ति तक इलाज मिल सके। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली उद्घाटन किया है और इसी दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया, साथ ही साथ कहा कि प्रतापगढ़ को एक नया मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और ज़्यादा बेहतर और बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद, जहां पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से गठबंधन करके भाजपा को यूपी में हराने की बात कहते दिख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। वहीं बेहट में कांग्रेस के प्रतिज्ञा यात्रा में मीडिया से बातचीत के दौरान जहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने अपनी सपा ज्वाइन करने की खबरों को फर्जी करार दिया, तो वहीं उन्होंने सपा को यूपी का सबसे बड़ा दल मानते हुए कहा कि सपा की जिम्मेदारी बनती है कि यूपी में सुशासन के लिए सभी दलों को एक होना चाहिए। तो कांग्रेस नेता ने सपा ज्वाइन करने की खबरों को फर्जी बताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तारीफ जरूर की है। देखिए, हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से कुशासन की समाप्ति हो और एक सुशासन की स्थापना हो, और कांग्रेस हमेशा दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का या किसी और वर्ग का बात अकेले नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता की बात की है और केवल भारतीयता के लिए ही लड़ने का काम करती है। कांग्रेस किसी जाति धर्म विशेष की ना पार्टी है, ना जाति धर्म विशेष के नाम के ऊपर हम राजनीति करते हैं। और इसीलिए प्रियंका जी ने जब प्रतिज्ञा की बात आई तो प्रतिज्ञा के अंदर नौजवान की बात है, किसान की बात है, मजदूर की बात है,
गरीब की बात है, प्रदेश के विकास की बात है। परिवर्तन तो शुरू हो चुका है जी। और आप देख रहे हैं कि अभी प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आवाम में जा कर के जनता के दरमियान जा कर के सरकार को चुनौती दी और सरकार को उनकी बहुत बातें माननी भी पड़ी हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो परिवर्तन है वो तो शुरू हो गया है। आज हमने एक बात कही जो हमें अभी आचार्य जी ने बताया, ये जो कुछ पॉइंट्स आज बताए गए हैं इसमें एक सवाल है जो आप में से किसी ने पूछना ही था, मैं पहले से ही जवाब दे देता हूँ कि भाई ये इस बात की गारंटी है कि ये सब पूरे होंगे। बाराबंकी में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले में पीड़िता के परिजन ने ससुराल पक्ष पर दहेज न मिलने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा है कि महिला के ससुराल पक्ष ने दहेज के लालच में महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाराबंकी का एक पूरा मामला है जहां पर एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि महिला के घर वालों का कहना है कि ससुराल पक्ष ने दहेज न मिलने पर विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। आरोपी पति फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। प्रदेश सरकार शिक्षण कार्य को हाईटेक करने के लिए भारी भरकम बजट खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते छात्रों को दूसरी बिल्डिंग में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। ताजा मामला गोंडा के राजकीय हाई स्कूल का है जहां पर बिल्डिंग तो बनकर तैयार है लेकिन कार्यदायी संस्था की ओर से विभाग को हैंडओवर न करने के चलते छात्रों को दूसरी बिल्डिंग में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। गोंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हमारी बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई है इसलिए जूनियर की बिल्डिंग में हम लोग बच्चों को बैठा रहे हैं। कितने अध्यापक आपके यहाँ हैं? यहाँ 4 अध्यापक हैं हमारे यहाँ। तो क्या कारण है अभी और टीचर नहीं आए, आप अकेले ही हैं? नहीं आ रहे हैं, ओवर हो गया है। नहीं आ रहे हैं, सब रास्ते में हैं, अभी फोन हुआ आ रहे हैं सब। आपने 3 पहलू बताए कि एक राजकीय हाई स्कूल जो खुलवा है वास्तव में इसकी कार्यदायी संस्था RED है और RED के द्वारा अभी तक जो हैंडओवर के लिए हमको जूनियर हाई स्कूल दिए गए हैं वो 3 उन्होंने बताया है कि कंप्लीट है। उनके लिए तकनीकी समिति हमारे द्वारा जिलाधिकारी से गठित करा दी गई है। आफ्टर तकनीकी समिति हम लोग हैंडओवर करते हैं क्योंकि ये विद्यालय जब शुरुआत होती है तो प्रारंभ में जूनियर हाई स्कूल में ही कक्षाएँ चलती थी तो उसी तरह चल रही हैं। दूसरा पहलू जो टीचर नहीं आ रहे हैं तो उसके संबंध में हम लोग अब औचक निरीक्षण कराएंगे क्योंकि या तो एविडेंस जो है आप हमें दे दीजिए तो हम उसको जो है कार्रवाई करेंगे, उसको कोई किसी को छूट नहीं है। ये तो कौन सा विद्यालय है ये और क्यों अपनी बिल्डिंग में ना पढ़ करके जूनियर विद्यालय में पढ़ रहे हैं? ये विद्यालय राजकीय हाई स्कूल कोल्हुआ मुजहना गोंडा, वो अभी सफाई नहीं हुई, वो चालू हो जाएगी उसी में बैठेंगे। हमीरपुर में ग्राम प्रधान की ओर से पड़ोसी गाँव के 2 चरवाहों को पीटने पर आधा सैकड़ा गाँव ने कोतवाली गेट पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक जानवर चराने के लिए गए थे कि तभी ग्राम प्रधान शराब के नशे में धुत होकर वहां आए और गाली गलौज करने लगा। वहीं इसका विरोध करने पर उन्होंने दोनों चरवाहों को पत्थर से पीट पीट कर घायल कर दिया जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। हमीरपुर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है जहाँ पर प्रधान पर मारपिटाई का गंभीर आरोप लग रहा है। ऐसे में थाने का घेराव करते हुए ग्रामीण नजर आए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि 2 युवक जानवरों को चराने के लिए गए थे तभी नशे में धुत प्रधान वहां पहुंचे और जमकर गाली गलौज की, दोनों युवकों को मारा पीटा है जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया और जल्द से जल्द प्रधान की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। कुशीनगर में ग्राम सभा तरिया सुजान में प्रधान की ओर से हरे फलदार पेड़ को कटवाने का मामला इस कदर तूल पकड़ा कि मौके पर प्रधान और प्रत्याशियों के बीच हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया है। कुशीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो तरिया सुजान ग्राम सभा है वहाँ पर प्रधान की ओर से हरे फलदार पेड़ कटवाए जा रहे थे, मामले ने तूल पकड़ लिया जिसके बाद मौके पर प्रधान और प्रत्याशियों के बीच हाथापाई होने लगी।
जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पीछ बचाव कर मामले को पूरी तरह से शांत कराया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो हरे भरे पेड़ हैं वो नीचे कटकर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम सभा तरिया सुजान में ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार राय जी द्वारा हरा पेड़ अपने निजी स्वार्थ के लिए काटा जा रहा था, जिसको टोले वासियों के द्वारा सूचना मिली और हम लोग तत्काल वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद देखे कि एक बहुत विशाल काय फलदार कटहल का वृक्ष काट करके और नीचे गिरा दिया गया है। जब हम लोगों ने पूछा काटने वालों से तो वो लोग बताए कि ये तरिया सुजान के प्रधान श्री कृष्ण कुमार राय जी द्वारा कटवाया जा रहा है। हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके और ये सूचना दिया। जब मैं गांव के ग्राम प्रधान पद पर आसीन हूँ, तारुकों के दायरे में रहना स्वाभाविक। आरोप लगाने वाले गांव के आम नागरिक या गरीब नहीं है। मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने वाले वही लोग हैं जो मुझसे चुनाव में हारे हुए लोग हैं। जनता ने व्यापक पैमाने पर मुझे अपना मत देकर एक अच्छी पहल करते हुए एक अच्छे अंतराल के से मुझे बीएसडी हासिल कराया है। रामपुर के जिला अस्पताल में तैनात संविदा डॉक्टर 5 महीने से वेतन न मिलने और सीएमएस की ओर से ड्यूटी में लापरवाही करने के चलते नोटिस दिए जाने से परेशान संविदा डॉक्टर ने अस्पताल प्रशासन पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। संविदा कर्मी का कहना है कि अगर इस बीच उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन को माना जाए। रामपुर की तस्वीरें, वेतन न मिलने से संविदा डॉक्टर पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, प्रशासन पर मानसिक प्रताड़ना देने का भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रामपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर रामपुर के जिला अस्पताल से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल अस्पताल में तैनात संविदा डॉक्टर 5 महीने से वेतन न मिलने और सीएमएस की ओर से ड्यूटी में लापरवाही करने के चलते नोटिस दिए जाने से परेशान हैं। संविदा डॉक्टर ने अस्पताल प्रशासन पर मानसिक ताना देने का भी आरोप लगाया है। संविदा कर्मी का कहना है कि अगर इस बीच उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन को माना जाए। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के पदपुरी गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल बाढ़ के चलते बर्बाद हो गई। वहीं इस नुकसान के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इसकी सुध लेने मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते लोगों को खुद अपनी जान की हिफाजत करनी पड़ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले दिनों आई बाढ़ से किसान की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बहती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहां नहीं पहुंचा है ग्रामीणों की सुध लेने के लिए। ऐसे में खुद ही लगातार वो काम कर रहे हैं और पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है, लेकिन खुद ही अपनी हिफाजत करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। जहां पर उनकी फसलें खराब हुई हैं वहां से पानी निकालने का काम जोरों पर कर रहे हैं। जमीन तो ज्यादा जो साथ साथ है उनकी कटी है और ज़्यादा आधे से ज़्यादा हमारे गांव की जो फसल ख़राब हो चुकी है। किसी की लाई थी, किसी का मटर था और जब यहाँ 3-3 फुट 3.5 फुट पानी आया, कोई भैया देखने को नहीं आया हमारे को। ठीक, हम तो मर गए। ये स्कूल की बिल्डिंग हमने ज़मीन दे रखी थी तो अपने बच्चे बाग बाग के उधर को फेंके हैं, जो मेरे पास गईयाँ हमारे सभी भैया के पास, वो बाग बाग के हमारे स्कूल की बिल्डिंग पे तो चढ़ा। हमारे पास गाँव के लोग आए हैं, बाकी अधिकारी अभी तक नहीं आया, पहुँच पाया कोई। अच्छा, गांव में पानी था? गांव में भी पानी था। आपके यहाँ जो आपका फार्म है इसमें कितने फीट पानी था? यहाँ 3.5 फुट पानी था हमारे घर के अंदर। क्या क्या नुकसान हुआ आपके? नुकसान सब हमारा जो बिस्तर थे सब भूल गए, जो हमारी गेहूँ पड़ी थी खाने के ताई वो सब बीज के नष्ट हो गई, जो मेरे ताई भूसा था हमारे सब भइयों का उसको सब नष्ट हो गया। रामपुर के बिलासपुर में पानी का सैलाब आने से एक पेपर मिल की दीवार गिर गई। वहीं इस हादसे से मिल में रखा सामान भी बर्बाद हो गया। इस हादसे में 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि 2 दिन हुई लगातार बारिश के चलते ये हादसा हुआ है।
रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो संभल की तस्वीरें, संभल में सड़क किनारे लगे ईंटों के ढेर के नीचे दबने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों बच्चे घरेलू सामान लेने के लिए गांव के किराए की दुकान पर जा रहे थे। उसी समय अचानक से ईंटों का ढेर बच्चों के ऊपर गिर गया। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में ईंट के ढेर से बच्चों को निकाला, जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, वहीं दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीषण हादसा जहां पर ईंटों का ढेर बच्चों के ऊपर गिरने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, काफी कोशिश की बच्चों को निकालने के लिए, तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। जो खेत पे आ रहा था जी, जब तो इधर से दो जने जा रहे थे तो वो तो निकल गए जी, जब ये आया उधर से तो वो ईंटे गिर गई। अच्छा, तो ईंटों के नीचे ही दब गए। अच्छा, हमने कई बार बोला भी, हम निकले बड़े वहाँ कर, हमने कहा इन ईंटों को संभाल लो, खदाना खास्ते कर लो, कोई दब भी सके। तो इन्होंने कहा हम अपने बाप की जगह में, कोई किसी की सरकारी जगह में छोड़ दी ईंट। ये बाहर में ईंट रखी थी, चट्टी रखी थी, दो दो नहीं चाह रहे हैं चट्टी, और उधर से आ रहे थे दुकान पर से। अच्छा, कुछ पाले ही वगैरह लेके दुकान पर से। अच्छा, तो उनके ऊपर दीवार गिरी भड़बड़ा। अच्छा, तो दोनों बच्चों की मौत हो गई। नगर निगम की ओर से आय बढ़ाने को लेकर जहां टैक्स लगाया जा रहा है, तो वहीं होटलों पर बकाए को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह बड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बता दें कि बड़े बकाया दरों से बकाया को लेकर प्रवर्तन दल और टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी सख्त आदेश दे दिए गए हैं। सहारनपुर का यह पूरा मामला, जहाँ पर आय बढ़ाने को लेकर अब टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा जो होटल्स हैं उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा। नगर निगम ने कार्रवाई करने की बात की है, जो अधिकारी हैं उनको भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हमारी जो प्रवर्तन दल की जो टीम है और टैक्स विभाग की टीम है, उन दोनों को हम लोगों ने वो सूची दे दी है। और अभी हम लोगों के फिलहाल चार कैंप हम लोग आयोजित करा रहे हैं चार जोन में, तो वहाँ पर टैक्स की हम लोग वसूली करा रहे हैं। और जो बड़े बकायेदार हैं उनकी हम लोगों ने सूची बना ली है, और उन बकायेदारों के ख़िलाफ़ हम लोग कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि एक दो लोग ऐसे हों, लेकिन उनको भी हम लोगों ने उनकी सूची हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं, जिससे उनको पता चल जाए और उनकी बेइज्जती हो। और सभी को हम लोगों ने बहुत सख्त आदेश कर दिए हैं, हमारी जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनके सभी अधिकारियों को। श्रावस्ती में पुलिस द्वारा उत्पीड़न को लेकर जनता में आक्रोश है। बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस की ओर से पिटाई से घायल हुए शख्स के घर सपानी श्री इंद्राणी वर्मा पहुंची और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। वहीं इस मामले को तूल पकड़ता देख मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया है। श्रावस्ती का यह पूरा मामला, जहां पर पुलिस ने युवक की पिटाई की थी और पुलिस द्वारा प्रताड़ित होने पर अब आक्रोश जो है वो लगातार लोगों में देखा जा सकता है। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सिद्धार्थनगर जनपद के भगवानपुर का निवासी है। इसने पहले भी लूट, हत्या और गौ तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम दिया हुआ है। तो सिद्धार्थनगर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये बड़ा खुलासा, आरोपी पर हत्या लूट जैसे कई मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। राजू इस्माइल नाम का एक अपराधी है, जो कि भगवानपुर गांव थाना मोहाना का जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। आज ये हमारी पुलिस टीम, जो जीवन त्रिपाठी SOG प्रभारी और मोहाना SO, इनके संयुक्त नेतृत्व में इनकी गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। ये इस अपराधी के ऊपर लगभग 40 से अधिक मुकदमे हैं, और ये पिछले 4 वर्ष से फरार चल रहा था। ये जगह बदल बदल कर नेपाल में रह रहा था। काफ़ी समय से इसके हमारी टीम पीछे लगी हुई थी। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, और ये जोन के कई जनपदों से वांछित अपराधी है।
महोबा में सालों से पंप हाउस में ऑपरेटर पद पर तैनात वीरेंद्र कुमार समदिया और रमेश्वर बादल को उनका वेतन नहीं दिया गया। खबरों की माने तो ग्राम विकास अधिकारी सालों से अगले महीने का हवाला देकर उनका वेतन टाल देते हैं। वहीं इस मामले में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने भी मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। महोबा की तस्वीरें, पंप हाउस के ऑपरेटर को सालों से वेतन नहीं मिला है, जिससे वो काफी परेशान है, दर दर भटक रहा है। प्रधान के पास भी गया लेकिन प्रधान ने भी इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ लिया है। मामले एक दो साल से पैसा नहीं मिला है, मामले का ट्यूबवेल चला रहे, ऑपरेटर है हम। क्या कह रहे हैं सचिव प्रधान? सचिव तो देने को तैयार है लेकिन जो वर्तमान प्रधान है वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा पुराना पैसा। क्यों? अब क्या पता हो, ये प्रधान जाने। सचिव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रधान कह दे तो हम दे दें। आपने इसकी शिकायत की है? की है, DM साहब के यहाँ दी, 1076 में भी शिकायत की। क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला वहाँ से। कितना पैसा बाकी है आपको? जो करीब है वही 36,000 रुपये के लगभग। मामला ये है कि मैं मढ़ेरा का ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ, तो करीब 2 साल से मुझे पैसा नहीं मिला है, जिसका मानदेय 1500 रुपये माह है। और जो वर्तमान में प्रधान है वो कह रहा है कि मैं अपने कार्यकाल का दूंगा, पिछला पैसा मैं नहीं दूंगा। और जो सचिव है वो कह रहे हैं कि हम पूरा देंगे, बस देंगे कह रहे हैं, देती नहीं है। हरदोई में घर के अंदर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक का शव कमरे में खून से लथपथ मिला था। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नौचंदी क्षेत्र में लूटपाट की कोशिश कर रहे लुटेरों को लोगों ने पकड़ लिया और उनके जमकर पिटाई कर दी है। वहीं इस दौरान उनका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद भीड़ ने पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पीलीभीत में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं हमले में घायल हुई युवती को इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों दंपति में आए दिन किसी न किसी कारण विवाद होता रहता था, जिससे तंग आकर पति ने पत्नी की हत्या की कोशिश की और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों ने मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनकी ओर से पहले भी मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। सर मेरा तलाक का केस चल रहा है मेरे हस्बैंड से, जहाँ घरेलू हिंसा का भी चल रहा है। मेरी बेटी छीन के ले गया, वो मुझसे मिलने के लिए बुला रहा था, बेटी से मिल लो आके, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बेटी से मिलने गई थी। उसने कहा बासित की दुकान के पास आ जाओ, और जो है मैं बेटी ले के आ रही हूँ, बेटी को कपड़े दिलाना है, ये करना वो करना। उसके बाद जो है मैं वहाँ दुकान पर पहुँची, मैंने देखा कि जो है वो है नहीं। मैंने फ़ोन निकाला करने के लिए, जैसे ही पीछे से आके उसने किसी धारदार चीज़ से मेरे गल पे काटना शुरू कर दिया, मेरे चेहरे पे बहुत जोर जोर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।